हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंसर यूट्यूब चैनल पर। आज हम मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कमरे के क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कंसेप्ट पे, उसके बाद ट्रिक और देन हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बात करते हैं पहले कंसेप्ट की। यदि आपको निकालना है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास में 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना उसकी हाइट। ठीक है, यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम, परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप, यानी कि परिमाप गुना हाइट। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले क्या है याद रखने हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। यदि आपके पास में एक वर्ग है ये, ठीक है, मैं इसके एक अंदर वृत्त खींचता हूँ, तो इसे बोलते हैं हम अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं इसे? अंतःवृत्त। ठीक है, अच्छा यदि मुझे इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है अंतःवृत्त की, तो हम कैसे करेंगे? भाई मैंने इसके दोनों साइड्स को क्या किया, जॉइंट किया। ठीक है, अब जो इसका जो मिडल पॉइंट होगा ये वाला, ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक किसकी रेडियस होगी? ठीक है, और ये पूरी साइड मैंने ए लेट की है, तो ये कितनी होगी? ए बाई टू। यानी कि जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? ए बाई टू। कितनी होगी? ए बाई टू। बात करते हैं परिवृत्त। अब परिवृत्त किसे कहते हैं? जो उसके चारों कोनों को छूकर जाए उसे बोलते हैं हम परिवृत्त। ठीक है, यानी कि ये जो सेफ है हमारी, ये इसे को क्या बोलेंगे हम? परिवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिवृत्त। अब मुझे यदि इस परिवृत्त का क्षेत्रफल या त्रिज्या फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम? ये क्या हुआ हमारे वर्ग का डायगोनल हुआ, यानी कि विकर्ण, और जो वर्ग का विकर्ण है वो कितना होता है? ए रूट टू। क्या होता है? ए रूट टू। अच्छा यदि हम इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ए अपॉन रूट टू। ठीक है, यानी कि जो परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या वो कितनी है? ए अपॉन रूट टू। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास यदि ये आ जाता है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि डिपेंड किस पे कर रहा है? वो रेडियस पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? रेडियस पे। अब मुझे करना है अंतःवृत्त का और परिवृत्त का, तो मैंने क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया तो पाई से, तो पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास? ये आर वन का स्क्वायर और आर टू का स्क्वायर। आर वन कितनी है मेरे पास? ए अपॉन टू, यानी कि ए अपॉन टू का स्क्वायर। आर टू कितना है? ए अपॉन रूट टू। तो ये कितना हो जाएगा? रूट टू अपॉन ए का स्क्वायर, यानी कि ए अपॉन फोर, और ये टू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया ए स्क्वायर, तो कितना आ गया? दो बट दो एकम दो और दो दूनी चार, यानी कि एक बटे दो। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? रेडियस तो फाइंड आउट करनी ही नहीं। यदि आपसे क्या पूछता है? वो रेशो पूछता है हमें से, वो कितना होगा? एक अनुपात दो होगा। कितना होगा? एक अनुपात दो। ये हमने क्या है? कंसेप्ट से पूरा सीख लिया है ये। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ये अंतःवृत्त का और परिवृत्त का है। किसका है? अंतःवृत्त का और परिवृत्त का। यदि दूसरा होगा परिवृत्त और अंतःवृत्त, तब क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो कितना होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना हाइट, यानी कि परिमाप गुना ऊंचाई। वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? ए अपॉन टू। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? ए अपॉन रूट टू। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, एक कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 18 मीटर है, तथा इसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। यानी कि जो हमें परिमाप दिया गया है वो कितना है? 18, और जो ऊंचाई है वो कितनी है? 3।
और क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था क्या था, परिमाप गुना ऊंचाई, यानी इन दोनों का क्या कर दें प्रोडक्ट। तो 18 थी कितना होता है 54, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है राइट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एक श्रोता कक्ष की लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है तो कक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये मेरा आयताकार कमरा हुआ, ठीक है, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ठीक है, और छत में भी क्या होती है दो ही चीज़ होती है। कह रहा है कि जो छत का क्षेत्रफल है यानी कि जो x इंटू वाई है वो कितना है। कह रहा है हमारे से इनमें रेशियो कितने का है, 3:2 का है, यानी कि कितना होगा 3x और ये कितना होगा 2x। ठीक है, यानी कि 3x इंटू 2x ये कितना है 600 और 3 × 2 = 6 कैंसिल, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी कि x कितना आ गया हमारे पास 10, तो ये कितनी हो जाएगी 30 और ये कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, फिर कह रहा है चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1500 वर्ग मीटर, कितना है 1500 वर्ग मीटर, यानी कि जो क्षेत्रफल था हमारे पास 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना हाइट ये हमें दिया गया है 1500। ठीक है, 2 × लंबाई और चौड़ाई का सम कितना है 30 और 20 50 × h 50 × 100 = 0 कैंसिल, तो जो हाइट है वो कितनी आएगी हमारे पास 15 मीटर। हमारे से हाइट ही पूछ रहा था वो, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है बी वो क्या है राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आयत का जो विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर है जो कि उसकी लंबाई से 2 है। ठीक है, अच्छा, यदि ये लंबाई से 2 है भाई, ये हमारा क्या हुआ आयत हुआ, ये कह रहा है कि ये 10 है जो कि लंबाई का क्या है 2, तो लंबाई कितनी होगी फिर 5 होगी, कितनी होगी 5। अब मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ, ये ए बी सी डी। ठीक है, मुझे बी सी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितनी है 10 और 10 का स्क्वायर 100, ए बी कितनी है 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 का टाइम कितना आएगा 75, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 × 3, 25 किसका रूट होता है 5 का, तो कितना आ गया 5√3। अब हमारे से कह रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर ली है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 5 की और 5√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5×5 = 25, 25√3, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है सी वो क्या है राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से एक कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन हमें, कह रहा है कि चौड़ाई और ऊंचाई वो 8 मीटर और 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने शॉर्ट ट्रिक में जो फॉर्मूला लिखा था उसको लिखेंगे, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, हमारे से कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है 220, फिर कह रहा है जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो 8 मीटर और 5 मीटर है, यानी कि चौड़ाई कितनी है 8 और जो हाइट है वो कितनी है 5, 5 × 10 0 कैंसिल, तो 22 ये इज इक्वल टू आ गया एल प्लस 8, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी 22 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ गया 14। ठीक है, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर है डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, कह रहा है कि 108 मीटर लंबे उस आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयत के में लंबाई फाइंड आउट करनी, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हुआ, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर, और ये क्या होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। अच्छा, हमारे से कह रहा है कि जो 108 मीटर लंबा है, यानी कि जो लंबाई है वो कितनी है 108, चौड़ाई हमें फाइंड आउट करनी है, और जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है 72, कितनी है 72। अच्छा, मैंने क्या किया, इसको 18 से डिवाइड किया, 18×5 = 90 और 18 × 6 = 108, यानी कि 6 टाइम, और 18 × 4 कितना होता है 72, इसका स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, 6 से फिर से डिवाइड करेंगे, 12 × 6 = 72,
अब ये कितना हो गया, 12 चौक 48, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 48 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कह रहा है कि एक वर्ग के अंतर्वृत्त, वर्ग के अंतर्वृत्त ठीक है, और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बहुत ही, ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक काम कर गया यहाँ पे, जो हमने शुरू में लिखा था, जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो कितना होता है हमेशा, 1:2। लिंक कंडीशन क्या थी कि अंत और परिवृत्त, यदि ये उल्टा होता फिर क्या करते, यदि ये होता हमारे पास परिवृत्त और अंतर्वृत्त, तब कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर आंसर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।